बुरहानपुर जिले में नारी सम्मान योजना का शुभारंभ कांग्रेस के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने किया। इस अवसर पर इंदौर के प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल की उपाध्यक्ष अविभा बिंदु भी उपस्थित रहीं। बुरहानपुर पहुंचे कांग्रेस के कसराबद विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया और भाजपा की लाडली बहना योजना को औपचारिक योजना बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही 1500 रुपये प्रति महानारी सम्मान में और 500 में सिलेंडर देंगे। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा ने किसानों का ऋण माफ नहीं किया है, जबकि हमारी सरकार ने किसानों का ऋण माफ किया है। प्रदेश की आधी आबादी हमारी जो माताएं बहनें हैं, उन माताएं बहनों के सम्मान में नारी सम्मान योजना का शुभारंभ आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। 40 से 50 क्राइटेरिया लगा दिए, मतलब उनकी मंशा किसी भी महिला को लाभ देने की नहीं है, उनको सिर्फ बहलाने की है, फुसलाने की। 18 साल से ये लोग जो कर रहे हैं महिलाओं के नाम पर, वही बहलाना फुसलाना और किसी भी तरीके से बहनों के वोट ले लेना। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता सहित महिलाएं सारी बड़ी सचेत हो गई है, जागरूक हो गई है। और जो हमारी जो योजना है नारी सम्मान योजना, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, हर महिला वो फॉर्म भर सकती है। क्राइटेरिया के बारे में जो बात कर रहे हैं आप कि क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो उसमें ये है कि अभी फिलहाल में कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, लेकिन बाद में उसको छटनी होगी तब देखा जाएगा कि कौन सा पॉइंट सामने आ रहा है।